बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। मैं हाँ सुरेंद्र ढल्ला। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हां दियां रिफ्यूजल इस करके आउंदियां ने कि उन्हां दा कोर्स मिसमैच है। पता लगता है कि उन्हां दी जिहड़ी स्टडी है, प्रीवियस स्टडी है, मतलब अगर उन्होंने 10+2 की है या ग्रैजुएशन की है, उहदे नाल उन्हां दी कनेडा दे विच पढ़ी जाण वाली पढ़ाई मैच नहीं करती। सिंपल भाषा च कहो अजिहा क्यों हुंदा है। दूसरा, किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रख्या जावे। प्लस टू वाले स्टूडेंट्स नूं किहो जिहे कोर्स करने चाहिए ने, मैडिकल वाले नूं किहो जिहे, नॉन मैडिकल नूं किहो जिहे, बी कॉम और टैक्निकल साइड ते किहो जिहे कोर्स होने चाहिए ने जिन्हां दे विच आपस रिश्ता बने, रेलेवेंसी बने। इन्हां विषयां दे उत्ते गल करांगे। जसमीत भाटिया जी साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े कि लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ ने। और ये शो बहुत ध्यान नाल सुनो क्योंकि ये थोड़ी जिंदगी दे नाल बहुत गहराई दे नाल ये शो जाके जुड़ेगा। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जसमीत जी। मैं देख रहा जिहड़ियां रिफ्यूजल्स आ रही ने, उहदे विच इक वड्डा फैक्टर यह है कि कोर्स रेलेवेंट नहीं है। हुण बहुत सारे विद्यार्थी ने, उन्होंने पढ़िया कुछ होर हुंदा है ते कंसल्टेंट उन्होंने किस कंसल्टेंट नहीं, मैं एजेंट कहूँगा, एजेंट उन्होंने होर किसी कोर्स एडमिशन दवा देते हैं। ये तय किवें कीता जावे कि रेलेवेंसी किवें बनती है। सी सपोज तुसी प्लस टू मैडिकल की है, प्लस टू नॉन मैडिकल की है, तुहाडे कोर सबजैक्ट्स च एक एग्जाम्पल ले लैंदे आ कि मेरे को कुछ स्टूडेंट आंदा उहदे मैथ्स च नंबर घट होणगे। सो मैं हमेशा ही ये गल करदा कि स्टूडेंट नूं हमेशा कह दिता जांदा कि तुसी कंप्यूटर प्रोग्रामर पढ़ लो। एंड मेरे को एक मोगा च स्टूडेंट आया एंड असी उहनूं कहा कि तुसी कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुहाडे मैथ्स च 40 मार्क्स है। पर उस तो बाद वो चार कंसल्टेंट को गया और उन्होंने चारा ने उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर दिता और हार के वो दो बारी रिफ्यूजल लेके वापस आया मेरे को। और मैं यही गल सेम उन्हें कही कि सर मैं तुहाडे कोल आया सी और तुसी एक कंपनी हैगे हो जिन्हें मैंने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं लेना, बाकी चारा ने सानू कहा कि तुसी कंप्यूटर प्रोग्रामर ले लो बिकॉज यू आर अ नॉन मैडिकल स्टूडेंट। और बट तुसी सिर्फ मैंने हॉस्पिटैलिटी गाइड कर रहे थे या तुसी मैंने ट्रैवल टूरिज्म गाइड कर रहे थे, तुसी मैंने कोई होर ईजी कोर्स गाइड कर रहे थे, वैब डिजाइनिंग का कोर्स गाइड कर रहे थे। सो उहदे पिछे काफ़ी रीज़न है। सो जो तुहाडे मैथ्स च नंबर घट होणगे और जे तुसी टैक्निकल कोर्स लोगे तो दैट शोज़ कि जिहड़े सबजैक्ट से तुहाडे नंबर घट है और जिहड़ा सबजैक्ट तुसी पढ़न जा रहे हो उन्हां दोनों च बहुत वड्डा रिलेशन है और तुहानूं रिफ्यूजल का सामना करना पै सकता। वेयर एज जे असीं कुछ ईजी कोर्सिज की जे रिक्वायरमेंट देखिए तो इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर मैनी कोर्सिज। एंड नॉन मैडिकल वाला बच्चा जिन्हें इंग्लिश चंगे नंबर हैं वो कोई भी कोर्स कर सकता बिकॉज रिक्वायरमेंट इज़ इंग्लिश। सो गो टू अ वैबसाइट ऑफ द कॉलेज एंड सी वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कोर्स। सो उस स्टूडेंट सामने मैं कॉलेज की वैबसाइट खोली और उन्होंने दिखाया कि लेट्स चैक द रिक्वायरमेंट्स। सो उस लिखा सी मैथ्स 60 नंबर चाहिए हैं एंड दैट इज़ कंपलसरी, दैट्स द कोर सबजैक्ट, और मैथ्स बच्चे के नंबर से 41। सो ये पिछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखो। हूँ वो मैंने कहना सर फिर बाकी सारिया कंपनियां, हूँ देखो मैं अपने एक्सपीरियंस तुम दस सकता पर मैं बाकिया का एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं दस सकता या उन्होंने किन्ना तजर्बा है किन्ना नहीं है। सो ता ही करके मैं स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता कि कोर्स भी देना एक एक्सपीरियंस नाल ही आ सकता है। जे इदा ही बहुत बहुत सारे अज की डेट जिन्होंने कहें अपने आप में बहुत सलाहकार मार्केट अवेलेबल है, सलाह कि लैनी है कि नहीं लैनी वो तुम देखना कि तुम कि सलाह सूट कर रही है। कई बार अभी सलाह लैके कई बार सूँ पता कि कहें कि औखा जिन्होंने कहें कि घुट भर के ही पता लगता है कि रिजल्ट आता है तो सूँ उदों रिजल्ट पता लगता है जो बाद रिजल्ट मिलता। सो डेफिनेटली एडवाइस वो लो जिन्होंने एक्सपीरियंस है और मैं कोर्स कॉलेज से थोड़ा जहाँ कहना कि थोड़ा ध्यान देने की लड़ हैगी। बिल्कुल कोर्स और कॉलेज के उत्ते भी ध्यान देने की जरूरत है। जसमीत जी जिम्मे जनरल गल करा जिम्मे 10+2 नॉन मैडिकल, मैडिकल, BSc, नर्सिंग, IT इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, इन्हों कोई अजिहे कोर्स हो जिहड़े बड़ी ईजीली इन्हों दे नाल रेलेवेंट हो जाते हो। सो बिल्कुल, सो असी नॉन मैडिकल गल करते हैं, बहुत वधिया नंबर है तुहाडे, 70% नंबर है एंड यू हैव ऑल स्कोर्स अबव 50। सो यू कैन डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, यू कैन डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू कैन डू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बहुत वड्डा स्कोप है कैनेडा च। यू कैन डू इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू कैन डू मकैनिकल इंजीनियरिंग, यू कैन डू ऑटोमोबील इंजीनियरिंग।
So you can actually do any engineering course if you are above 65% and 70%. You can do electronics and instrumentation. So there are lot of courses which are related to non-medical, and non-medical is said ki non-medical is the king. मतलब कि जैसे कुछ सब तो ज़्यादा कोर्स ऑप्शन है एंड सब तो ज़्यादा वधिया फ्यूचर नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट का दिखता है, क्योंकि कैनेडा एक डिवेलपिंग नेशन हैगा, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन उत्थे चल रही है एंड बहुत सारी ग्रोथ उत्थे हो रही है एंड देर आर टेक्निकल रिलेटेड पीपल आर वेरी वेरी बैडली नीडेड इन कैनेडा. वेल्डिंग तुसी कर सकते हो, प्लंबिंग च तुसी अगे कोर्स कर सकते हो, एयर कंडीशनिंग च कोर्स कर सकते हो एंड देर आर लिस्ट इज नेवर एंडिंग फॉर अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट हु इज हैविंग गुड मार्क्स अबव 65% मार्क्स. हुण असीं मैडिकल की गल कर लैने. मैडिकल कई बार सानू थोड़ा जिहा कि कहिंदे आ ईजी कोर्सिज भी लेने पै सकते हैं, कई बार कोर्सिज इदां दे भी लेने पै सकते हैं जिहड़े असीं नहीं भी करना पैंदे, क्योंकि जदों असीं कहिंदे आ सानूं नर्सिंग चाहीदी है. सो काफ़ी घट कॉलेज हैगे जिहड़े मैथ्स तो बिना तुहानूं नर्सिंग की ऑप्शन देंदे आ. डॉक्टरी तुसीं नहीं कर सकते डायरैक्टली इत्थों कैनेडा की, बिकॉज उत्थों अपने ही स्टूडेंट्स नूं प्रैफर करदे आ, अपने सिटीजनस नूं प्रैफरेंस दित्ती जाती है. सैकेंडली सपोज तुसीं कहिंदे हो कि मैं मैडिकल स्टूडेंट हाँ, मैं किदां दे कोर्सिज कर सकदा. सो फिटनेस एंड हैल्थ प्रमोशन, एनवायरमेंटल टेक्नीशियन, केमिकल लैब टेक्नीशियन एंड हैल्थ रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. हैल्थ का कोर्स भी कर सकते हो विच इज़ an average course, not a good course. Suppose you are 80% and you are going for office administration health, मैं उन्होंने कहाँगा कि इन्ना बढ़िया course तुसी choose नहीं किया. So landscape technician, horticulture technician, so climatic conditions दे against भी courses आते हैं, और बहुत लंबी list है medical related भी जे तुसी की कहते हैं maths नहीं किया. dental assisting दा course कर सकते हो, pre-health sciences तुसी कर सकते हो, bachelor in biology तुसी कर सकते हो, bachelor's in chemistry कर सकते हो. so bachelor विच तो बहुत सारी options जिहड़ियां तुसीं कर सकते हो. हुण कमर्स वाले बच्चों ते आ जाते, कमर्स इज द ईजी ऑप्शन. जिन्होंने कहें कि कमर्स वाला बच्चा आ जाता, काउंसलर भी खुश हो जाती है कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं फोलनिया पैणगियां, क्योंकि कमर्स वाला बच्चा बिजनेस कर सकता है. बिजनेस की अगर ब्रांचिज है फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, HR, इंटरनेशनल बिजनेस. सो कमर्स वाला बच्चा यही कोर्सिस कर सकता. हुण आर्ट्स वाले की गल आ जाती, आर्ट्स वाला किहड़े कोर्सिस कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा की कहते हैं डिपेंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस की होंगी है तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कोर्सेज करने चाहिए. कई बार स्टूडेंट ने जिन्होंने कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोर्सेज कहने चाहिए. कई बार स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होंगी एंड ही कैन स्टडी, ही कैन डू वैब डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग के रिलेटेड कोर्स, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का कोर्स, पुलिस फाउंडेशन का कोर्स, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स, कलरी मैनेजमेंट का कोर्स. सो बहुत सारे कोर्सेज इदा के है जिहड़ा कि आर्ट स्टूडेंट भी कर सकता. हूँ कुछ इदा के कोर्सेज होंगे जिहड़ा हर कोई कर सकता, जिवें कह लो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सोशल सर्विस वर्कर डिप्लोमा वर्गे कोर्सेज कोई भी कर सकता, क्योंकि इन्हों दी एंट्री रिक्वायरमेंट इज इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स मतलब कि जो कोर्स की असं गल करिए, कोर्स जोड़े है वो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें कैनेडा लिए अपलाई करना है, और एक फर्स्ट स्टैप हैगा तुहाडे मार्क्स की असैसमेंट करके तुहानू किहड़ा कोर्स दिता जाए. सो ये फर्स्ट स्टैप एंड विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा. बिल्कुल जी. सो सारी विस्तार जानकारी आ गई कि तुम कि कोर्स कर सकते हो और किमें थोड़ी एजुकेशन के नाल रेलेवेंट होंगे ने और सक्सैस रेट वध मिल सकता है. सो मैनू लगता इस तो वधिया जानकारी एक छोटे जे एपीसोड दे विच नहीं दित्ती जा सकती. होर जानकारी चाहिए तो 9413-9412 से वट्सएप करो, जसमीत जी नू परसनली मिलो, टाइम लैके मिलो और अपनी जिंदगी बारे सोच समझ के डिसीजन करो. अपना प्रोफाइल भी भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो info@landmarkimmigration.com. थैंक यू सो मच जसमीत जी.